मेरा नाम संमित्रा है, संमित्रा सौदा, और ये मेरे फादर हैं नरेंद्र सिंह सौदा, एडवोकेट, और मैं इनकी डॉटर हूँ। इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी टाइम से। 2011 में हमें पता चला था कि इनको ब्लॉकेज है आर्टरीज में, और 95% ब्लॉकेज का पता चला था। फिर उसके बाद हमने इनका चिलेशन थेरेपी करवाई थी नासिक में, सटाना में जाकर के, और उससे इनको काफ़ी टाइम तक ठीक थे, पर इनको वो एक थोड़ी सी चलने में हाँफना, सांस फूलना, ये प्रॉब्लम इनको थी। अभी पिछले एक साल से इनको प्रॉब्लम ये बढ़ गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, 5 कदम भी नहीं चल पा रहे थे ये, और सांस फूल जाता था। अभी एकदम से फ्रिक्वेंटली इनको थोड़ा सा सीजर आके बेहोश होना, ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हम यहाँ पर डॉक्टर ये रविंद्र सिंह राव इनको दिखाने यहाँ पर आए राजस्थान हॉस्पिटल, और वहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ। इनको उन लोगों ने ये फिजियो एंजियोग्राफी करके, और उसमें एंजियोग्राफी में जो इनकी प्रॉब्लम्स थी उसको बताया। इन्होंने एक IVL जो वो थी टेक्निक, उससे इनका कैल्शियम को ब्रेक करने वाली जो भी टेक्निक थी वो चीज़ डॉक्टर साहब ने करी, स्टंट डाले, और उसके बाद अब ये आराम से 20 मिनट तक बिल्कुल नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, जो कि ये नहीं कर सकते थे। आज इनकी 88 एज है, और उसमें ये बहुत हैप्पी है यहाँ पर ट्रीटमेंट करा करके, और ये बहुत प्रिपेयर, बहुत आराम से यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज़ से बहुत खुश हैं, और आज यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं। और हमको नहीं लगता हमें कभी जरूरत पड़ेगी वापस डॉक्टर साहब से मैं कंसल्ट करने के अलावा, बाकी हॉस्पिटल में सबका बहुत बहुत ही बढ़िया। हमें यहाँ पर हर तरह का ट्रीटमेंट ICU में, CCU में, जो भी डॉक्टर्स का सबका सपोर्ट मिला, जो भी इतना स्टाफ है सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, बहुत अच्छे से सब चीज ट्रीट करी गई यहाँ पर, देखी गई, और हम बहुत हैप्पी है कि हम पापा को इतना एकदम इतना, पापा खुद बहुत एक्साइटेड है कि अब मैं चल पा रहा हूँ, मैं ये भी खा पाऊंगा और मैं ये भी कर पाऊंगा, जो कि हर चीज रेस्ट्रिक्टेड हो रही थी अभी तक, और अब ये बहुत हैप्पी है, और आप सामने देख रहे हो पापा को। थैंक यू सर। मेरा नाम संमित्रा है, संमित्रा सौदा, और ये मेरे फादर हैं नरेंद्र सिंह सौदा, एडवोकेट, और मैं इनकी डॉटर हूँ। इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी टाइम से। 2011 में हमें पता चला था कि इनको ब्लॉकेज है आर्टरीज में, और 95% ब्लॉकेज का पता चला था। फिर उसके बाद हमने इनका चिलेशन थेरेपी करवाई थी नासिक में, सटाना में जाकर के, और उससे इनको काफ़ी टाइम तक ठीक थे, पर इनको वो एक थोड़ी सी चलने में हाँफना, सांस फूलना, ये प्रॉब्लम इनको थी। अभी पिछले एक साल से इनको प्रॉब्लम ये बढ़ गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, 5 कदम भी नहीं चल पा रहे थे ये, और सांस फूल जाता था। अभी एकदम से फ्रिक्वेंटली इनको थोड़ा सा सीजर आके बेहोश होना, ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हम यहाँ पर डॉक्टर ये रविंद्र सिंह राव इनको दिखाने यहाँ पर आए राजस्थान हॉस्पिटल, और वहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ। इनको उन लोगों ने ये फिजियो एंजियोग्राफी करके, और उसमें एंजियोग्राफी में जो इनकी प्रॉब्लम्स थी उसको बताया। इन्होंने एक IVL जो वो थी टेक्निक, उससे इनका कैल्शियम को ब्रेक करने वाली जो भी टेक्निक थी वो चीज़ डॉक्टर साहब ने करी, स्टंट डाले, और उसके बाद अब ये आराम से 20 मिनट तक बिल्कुल नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, जो कि ये नहीं कर सकते थे। आज इनकी 88 एज है, और उसमें ये बहुत हैप्पी है यहाँ पर ट्रीटमेंट करा करके, और ये बहुत प्रिपेयर, बहुत आराम से यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज़ से बहुत खुश हैं, और यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं।